नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिंदगी इजी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपको बताती हूँ जिंदगी जीने के इजी तरीके। यह दोस्तों, जिससे आपकी जिंदगी इजी हो जाती है। तो दोस्तों, चलिए इसी कड़ी में मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ कुछ ऐसी बातें जिसे जानकर आप बहुत ही ज़्यादा एक जो है बहुत रिलैक्स फील करेंगे और इससे भी जो आपकी ज़िंदगी है वो इजी हो जाएगी। तो दोस्तों, जो आज टॉपिक मैं लेकर आई हूँ वो है वास्तु दोष के बारे में। दोस्तों, अक्सर ये प्रॉब्लम जो है सबके साथ होती होगी। सभी सोचते हैं कि आखिर वास्तु दोष एक ऐसी जो प्रॉब्लम है जो सबके साथ होती है। सभी के मन में एक शंका जो है वो बैठी रहती है कि आखिर इस दोष को कैसे हटाया जाए। अगर हम घर बना रहे होते हैं, ऑफिस का जो है वो ऑफिस की नींव रख रहे होते हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे होते हैं, तो उससे पहले हमारे दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आती है, वो है वास्तु दोष के बारे में हम सोचते ज़रूर हैं। तो इस चीज़ से जो है अपना दिमाग हटाने के लिए, इसके लिए मैं एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा एक उपाय लेकर आई हूँ, जिसको करने के बाद आपके मकान बनाने के समय अगर वास्तु दोष वहाँ पे मकान में होंगे भी तो वो हट जाएंगे। तो ये जो उपाय है वो मैं बताती हूँ आपको। चलिए, जिस भी प्लॉट पर मकान, भवन, घर का निर्माण करना हो, अगर वहां पर गौवत्स को लेकर बांध दिया जाए, गौवत्स यानी कि बछड़ा, जो गाय का बछड़ा होता है उसे बांध दिया जाए, तो वहां क्या होता है कि वहां पे संभावित जो वास्तु दोष होते हैं वो स्वतः ही निवारण हो जाता है, वो वहां से हट जाते हैं। और जो भवन निर्माण का कार्य होता है वो जो बिना बाधा के ही वो पूरा हो जाता है। समापन तक आर्थिक या अन्य प्रकार की बाधाएं नहीं आती हैं। वास्तु ग्रंथ मयतम में कहा गया है कि भवन निर्माण के शुभारंभ से पूर्व उस भूमि पर स्वच्छा यानी बछड़े वाली गाय को लाकर बांधना चाहिए। नवजात बछड़े को जब गाय दुलार कर चाटती है तो उसका फेन भूमि पर गिरकर उसे पवित्र बनाता है और वहां होने वाले समस्त दोषों का निवारण हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके जो जो कहते हैं उदाहरण हमें ग्रंथ में भी मिलते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। दोस्तों, समस्त प्राणी पाश में बंधे होने से पशु ही हैं और उनके स्वामी पशुपतिनाथ हैं। समस्त पशु यानी कि प्राणी भूत हैं, जिनके नाम भूतनाथ हैं। पशु रूपी गाय समस्त सृष्टि की हैं और गाय सृष्टि की संरक्षक भी हैं। सभी भूतों प्राणियों की वो माता हैं और सभी को सुख प्रदान करने वाली हैं, सभी दोषों की हरण करती हैं। गाय के रूप में पृथ्वी की करुण पुकार और विष्णु के अवतार के लिए निवेदन के प्रसंग बहुत प्रसिद्ध हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि गाय जहां बैठकर निर्भयता पूर्वक सांस लेती है, उस स्थान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में गाय पाप संहारक, वास्तु दोष निवारक है। भारतवर्ष में गाय सदा से घर परिवार की सदस्य रही हैं। उसे परिवार का अंग माना जाता है, उसकी आरती उतारी गई है, हर कर्म कांड में उसकी आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है। जब से भारतीयों ने गाय को घर परिवार से विस्थापित किया है, वे अनेक कष्टों से घिर गए हैं। गाय जिस परिवार में रहती है उस परिवार से अत्यंत प्रेम करती है, परिवार के प्रत्येक सुख दुख का अनुभव करती है। जी हाँ दोस्तों, गौ माता हमारी ऐसी ही होती है। तो जब भी आप अपने भवन का निर्माण करें तो वहां पर गाय के बछड़े को लाकर जरूर बांधें, तो वहां पर जो भी वास्तु दोष होगा वो हट जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया आज वास्तु दोष के बारे में, तो आप इसे जरूर फॉलो करिएगा और इसको फॉलो करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस इन्फॉर्मेशन को दूर दूर तक अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए, उन्हें बताइए इसके बारे में। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।